नमस्कार, आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना दमखम लगा रहे हैं राजद को विधानसभा की 2 सीटों पर जिताने के लिए। बता दें, कल वो तारापुर के लिए रवाना हुए थे और आज वो तारापुर में थे, जहां पे उनका बहुत जोरों शोरों से स्वागत किया गया। वो जनता को भाषण देकर सुना रहे थे और जनता भी बड़े प्यार से उनका भाषण सुन रही थी और उनका स्वागत कर रही थी। बता दें, अरुण कुमार शाह के लिए तेजस्वी यादव ने वह विधानसभा की 2 सीटों पर वोट मांगा है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले देखिए और साथ ही साथ आप सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव, लगभग 4 साल का अधिकार बाकी, जहाँ से हमारे प्रत्याशी आदरणीय लालू जी ने, जयप्रकाश जी ने लालटेन थमाने का काम किया है अरुण शाह जी के हाथों, और हम लोग सब लोगों को मिलकर पद हो जाएंगे और लालटेन पर बटन दबा करके अरुण शाह जी को विजयी बनाइए और लालू जी के हाथ को मजबूत करने का काम। हम लोग का सब लोग को एक होना है, हम लोग का दूसरा लड़ाई है। अब लड़ाई लड़ना है तो जब तक हम लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक लड़ाई जीतेंगे कैसे? बटिएगा लड़िएगा आपस में तो काम तो चलना नहीं है। अरे भाई, और बिहार के 12 करोड़ जनता का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है, बिहार के विकास का सवाल है, उसलिए आप सब लोग एक होइए और अपना नामांकन जो है वापस लीजिए। और इन्होंने इनको भी आभार प्रकट करते कि इन्होंने नामांकन जो है वापस लिया और हमारे साथी आप बोलते भाई आप लोग सब लोग खड़े मत होइए, आपको गरीब का राज बनाना है, ये बेईमानों का सरकार उखाड़ के। फिर जिलाध्यक्ष है हमारे खुशवाहा निहाल साहब है, रफीगंज के विधायक है, सब लोग हम लोग को है आए हुए, जयप्रकाश जी साहब है, सब लोग अरुण शाह जी को विजय बनाने के लिए। तो आप लोगों से हम उम्मीद करके जाए ना कि यहाँ से पूरा पंचायत साहब आप सब लोगों का हमले से धन्यवाद देते हैं। दोनों सीट क्या मायने रखते हैं? बिहार में जितनी सीट 243 सीट सभी महत्वपूर्ण से, और यहाँ उपचुनाव हो रहा है 2 जगह पे, दोनों जगह हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं और पूरा विश्वास है तारापुर की जनता, राजस्थान की जनता पर भारी मतलब से विजय बनाई। सर, दोनों से जीतते हैं चुनाव। तेज प्रताप जी ने तारापुर विधायक को समर्थन देने की बात की है और विशेश्वर विवेक कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने की बात की है। चुनाव पहले सही से तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने यहाँ अपनी बात रखी है और अरुण कुमार शाह के लिए वोट मांगा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे डीटीवी भारत। धन्यवाद।